नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और हम हैं ऋषिराज। किंग महेंद्र का नाम सुना है आपने? आखिर कौन है ये किंग महेंद्र? क्या है इनका बिहार से कनेक्शन? एक किसान का बेटा किंग कैसे बन गया? एक राज्यसभा का सांसद जो बिहार से है और सबसे अमीर है, क्या है इनके सबसे अमीर बनने की कहानी? वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। राज्यसभा में तकरीबन 90% सांसद करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो इन सांसदों की जो औसत संपत्ति है वो 55 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसमें किंग महेंद्र सबसे टॉप पर हैं। किंग महेंद्र के पास तकरीबन 4000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन एक किसान का बेटा इतना अमीर कैसे बन गया? जी, ये कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक किसान का बेटा कैसे बनता है अमीर, इनके अमीर बनने की कहानी में इमोशन भी है और एक्शन भी। आज के दौर में जिस किंग महेंद्र के पास 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कभी बेरोजगार और फकीर हुआ करते थे। दरअसल बिहार के जहानाबाद की मिट्टी में पले बड़े किंग महेंद्र के साथ घटी एक घटना ने उन्हें अमीर बना दिया। बताने वाले उनसे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताते हैं कि उनके बेरोजगारी के दौर में, यानी साल 1963-64 के करीब, एक साधु ने उन्हें पुड़िया दी। कहा कि नदी के किनारे जाकर इसे पूरे परिवार के साथ खा लेना, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब एक युवक जो बीए करके बेरोजगारी झेल रहा था, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उसने घर के लोगों को नदी के किनारे ले जाकर पुड़िया दे दी और खुद भी खा लिया। पुड़िया खाने के बाद नतीजे के तौर पर परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और उनके पिता, उनके छोटे भाई और किंग महेंद्र खुद अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद किंग महेंद्र बाहर निकले। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये मामला पूरी तरह से एक रंजिश का था और एक रंजिश के तहत पूरे परिवार को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस घटना में किंग महेंद्र बच गए थे। इस घटना में बचने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा और वो अपना गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद किंग महेंद्र अपने घर साल 1980 में लौटे, बल्कि कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर। बताने वाले बताते हैं कि पहली बार जहानाबाद के लोगों ने चुनाव में एक साथ इतनी गाड़ियां और प्रचारकों को देखा था। गाड़ियों की चमक और पैसे की खनक ने लोगों के मन में बतौर उम्मीदवार उनकी छवि किंग वाली बना दी। किंग महेंद्र ने 1980 में पहली बार जहानाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया, मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाए। मूल रूप से बिहार के जहानाबाद के गोविंदपुर गांव के रहने वाले किंग महेंद्र, जिनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है, साल 1980 में जहानाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। साल 1980 में जहानाबाद से कांग्रेस की टिकट पर राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले किंग महेंद्र ने समय समय पर अपनी राजनीतिक रसूख का बखूबी परिचय दिया है। साल 1984 में किंग महेंद्र चुनाव हार चुके थे, लेकिन लोगों को उनकी राजनीतिक रसूख का पता तब चला जब राष्ट्रपति ने उन्हें बतौर राज्यसभा उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। किंग महेंद्र कभी चुनाव नहीं हारे। जी हाँ, वो लालू रहे हो या नीतीश कुमार, वो लगातार पाला बदलते रहे, लेकिन बतौर राज्यसभा सांसद वो हमेशा राज्यसभा में पहुंचते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद आया होगा। तो बिहार तक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आप और किसकी कहानी देखना चाहते हैं। नमस्कार।